स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम क्लास सिक्स का इंग्लिश ग्रामर का जो सेकंड चैप्टर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आज ही रीड करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ए सेंटेंस एज यू नो इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है जिससे एक निश्चित अर्थ हमें मिलता है। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन में भी हमने रीड किया था, इन दिस सेंटेंस अंडरलाइन द थिंग और पर्सन हु इज़ डूइंग द एक्शन। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं और ये कहा गया है कि इसमें उस व्यक्ति का या वस्तु का नाम बताओ जो कि एक्शन कर रहा है, जो कुछ काम कर रहा है। इसका जो आंसर निकलता है वो निकलता है हु, कौन। हम जो आंसर देंगे वो यहाँ पर बताना है आपको। मयंक सा स्केरी मूवी। हु सा स्केरी मूवी, हमारा आंसर होगा मयंक सा स्केरी मूवी। हमने क्वेश्चन किया हु सा स्केरी मूवी, मीन्स कौन देख रहा है स्केरी मूवी। हमारा आंसर हुआ मयंक। तो यहाँ मयंक, हमने हु पूछा, यहाँ आंसर हमारा आया मयंक। तो मयंक क्या हुआ हमारा यहाँ सब्जेक्ट। द स्मॉल डॉग क्रॉस्ड द रोड। हु क्रॉस्ड द रोड, किसने रोड क्रॉस किया। हमने क्वेश्चन किया तो किसने किया था, द स्मॉल डॉग। माय सिस्टर बेक्ड अ केक। हु पैक्ड अ केक, माई सिस्टर। यहाँ पर माई सिस्टर हमारा सब्जेक्ट हुआ। टीनू वेंट टू द स्टोर, कौन स्टोर पर गया, टीनू। टीनू हमारा सब्जेक्ट हुआ। द लोयन रोड लाउडली। हु रोड लाउडली, कौन रोड कर रहा है, कौन दहाड़ रहा है जोर से, द लोयन। द स्टूडेंट्स मार्च्ड वेल। हु मार्च्ड वेल, द स्टूडेंट। अब जहाँ हम वर्ड देख रहे हैं तो जो शुरुआती शब्द आता है, स्टार्टिंग वर्ड जो आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। What did you notice? Every sentence tell us about someone or something and about what they do. हर सेंटेंस हमें किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बता रहा है और वे क्या कर रहे हैं ये बता रहा है। The person or thing about whom something is said is the subject of a sentence. जिसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या करता है वह सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में। What we say about the subject is called the predicate of a sentence. और जो सब्जेक्ट जो कर रहा है, करता जो कर रहा है, उसके आगे का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो फर्स्ट पार्ट है जिसका आंसर हम निकालते हैं हु से, मतलब कौन, जो करता है, जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद का जो पार्ट है वो पूरा प्रेडिकेट है। एवरी सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। एक सेंटेंस को हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड कर सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस विच आर डिवाइडेड इंटू द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। अब यहाँ नीचे दो टेबल दी है, इसमें सब्जेक्ट भी बताया है और प्रेडिकेट भी बताया है। आई मतलब मैं, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। विल गो टू द मार्केट टूडे, हेल्पिंग वर्ब या उसके बाद जो मेन वर्ब आती है उन दोनों से जो वर्ड स्टार्ट होता है वो पूरा प्रेडिकेट में आ जाएगा। स्ट्रे एनिमल्स सब्जेक्ट हमारा, मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, ये हमारा प्रेडिकेट है। द बिग ब्लैक डॉग, यहाँ पर ही पूरा सब्जेक्ट है। कॉट द फ्लाइंग डिस्क, ये पूरा प्रेडिकेट है। इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस सब्जेक्ट कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। इन सभी में जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस की बिगनिंग में ही आ रहा है। हाउ एवर इन सम सेंटेंसेज सब्जेक्ट डज नॉट कम एट द बिगनिंग। बहुत सी बार ये होता है सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल डाउन रोल द बुल्डर्स, ये द सब्जेक्ट इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। या सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हमारा वो सेंटेंस की एंड में है। यहाँ पर अब आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं। इन सर्कल सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको अंडरलाइन सर्कल बनाना है और जो बाकी का भाग है उस पर आपको प्रेडिकेट है वो उस पर अंडरलाइन करनी है। माई यंगर सिस्टर, किसके बारे में बात की जा रही है, माई यंगर सिस्टर के बारे में। टू के कम्फर्टेबल बस, तो माई यंगर सिस्टर जो है उस पर हम सर्कल बनाएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके आगे का जो पार्ट है टू के कम्फर्टेबल बस, ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है।
द बस स्टॉप्ड एट बेगम ब्रिज, बेगम ब्रिज पर जाकर बस रुकी। कौन रुकी, हमारा आंसर क्या हुआ, द बस। तो जो द बस है ये वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद का जो पार्ट है स्टॉप्ड एट बेगम ब्रिज ये पूरा प्रेडिकेट है। थर्ड में बेगम ब्रिज इज ए बिजी एंड पॉश प्लेस, बेगम ब्रिज यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, आगे का पार्ट पूरा प्रेडिकेट है। ब्राइट लाइट्स एट नाइट ग्लो देयर ब्यूटीफुली, यहाँ पर ब्राइट लाइट हमारा सब्जेक्ट है और आगे का पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। पीपल ऑफ ऑल एजेस, पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये सब्जेक्ट है। विजिट दिस प्लेस एवरी डे, ये प्रेडिकेट है, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। इसी तरीके से आप 6, 7, 8, 9, 10 को करेंगे। नीचे बी पॉइंट दिया है, राइट सुटेबल सब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स, यहाँ पर प्रेडिकेट दे दिए हैं और आपको सब्जेक्ट लगाने हैं, आप इसको अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। इज एन अमेजिंग डांसर, किसी जो बहुत अच्छा डांस करता है आप उसका यहाँ नाम लिख सकते हैं। लव टू गो राफ्टिंग इन द रिवर, जो रिवर में राफ्टिंग करना इसको पसंद हो उसका यहाँ नाम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। ब्रॉट मी ए वॉच एंड ए केप, मेरे लिए एक वॉच केप लाए, आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। मेड इट्स नेस्ट इन द टॉल ट्री, यहाँ किसी आपको बर्ड्स का नेम लिखना है। चेस द रैबिट इन टू इट्स बरो, यहाँ पर किसी एनिमल का नेम लिखना है। आर द बेस्ट इंजीनियर्स वी हैव, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लगाया दे। हैज़ बुकड 3 टिकट्स फॉर द इवनिंग शो, यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट अपने अनुसार लिख सकते हैं। वाज ऑन डिस्प्ले ऑन द म्यूजियम, इन सबको आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं और दूसरा सब्जेक्ट भी यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद सी पॉइंट, राइट सुटेबल प्रेडिकेट्स फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, यहाँ सब्जेक्ट दे दिए हैं, आप इनके अनुसार कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, ये आपको सेल्फ करना है। इसके बाद डी में आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन दिस पैराग्राफ एंड यूज देम टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है, जैसे माई नेबर यहाँ सब्जेक्ट है। इसके बाद ऑल द वैल्यूएबल्स यहाँ सब्जेक्ट है, द विंडो यहाँ सब्जेक्ट है। इस तरीके से आपको पूरे इसमें सब्जेक्ट पर अंडरलाइन करनी है और उन सब्जेक्ट से आपको नया सेंटेंस बनाना है। जैसे माई नेबर वॉज रोब्ड बाई समवन लास्ट नाइट, यहाँ हमारा सब्जेक्ट माई नेबर था, हमने चेंज करके अब इसको बना दिया माई नेबर इन्वाइटेड मी टू हिज बर्थडे। ऐसे अगले जो सेंटेंस पे हम अंडरलाइन सब्जेक्ट लेकर उनसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। ई में मेज द सब्जेक्ट इन कॉलम ए विद द प्रेडिकेट्स इन कॉलम बी अप्रोप्राइटली, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर प्रेडिकेट दिया हुआ है, हमें इनको मैच करना है। द सुनामी वेव्स, इसको हम ई से मैच करेंगे। किल थाउजेंड ऑफ पीपल, सुनामी की जो लहरें थी उससे कई लोग, हजारों लोग मारे गए। द गंगा, द गंगा को हमें जी से मैच करना है। इज एन इंडियन होली रिवर। थर्ड है द पेंटर, इसको हम मैच करेंगे ए से। हैज़ पेंटेड द फैंस कलरफुल। टाइपिंग, इसको हम जे से मैच करेंगे। इज एन इम्पोर्टेंट स्किल। फिफ्थ है शेड्यूल, इसको हम बी से मैच करेंगे। हेल्प्स स्टूडेंट विथ टाइम मैनेजमेंट। गांधी जी, इसको हम मैच करेंगे एच से। इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। द फार्मर्स, इसको आई से मैच करेंगे। आर सोइंग सीड्स। नाइन्थ है द स्वीपर, इसको हम डी से मैच करेंगे। इज स्वीपिंग द फ्लोर। द नोवेल, इसको हम एफ से मैच करेंगे। इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो आपको इनको बुक में ही मैच करना है। इसके बाद एफ एक्सरसाइज में, इन द एक्सरसाइज इट फॉलोज प्रोवाइड ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज रिक्वायर्ड। इस वाली एक्सरसाइज में कहीं सब्जेक्ट दे दिया है, कहीं पर प्रेडिकेट दे दिया है। जैसे फर्स्ट वाले में प्रेडिकेट दे दिया है, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है, तो मैंने सब्जेक्ट लगा दिया शी। अब सेकंड वाले में शी सब्जेक्ट दे दिया है, आपको प्रेडिकेट लगाना है, तो आप कुछ भी सेंटेंस बनाकर यहाँ लिख सकते हैं। शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शी इज स्टडिंग, आप ये अपने आंसर बनाएंगे। द स्टूडेंट, यहाँ सब्जेक्ट दे दिया है, आपको प्रेडिकेट लगाना है। आर गोइंग टू स्कूल। ए हैप्पी चाइल्ड लुक्स ब्यूटीफुल। कुक डे टेस्टी मील, किसने खाना अच्छा टेस्टी बनाया, मम्मी ने या कुक ने, जो आपको अच्छा लगे। हैज़ ए ब्यूटीफुल सेंट, हमने लगा दिया ही हैज़ ए ब्यूटीफुल सेंट। हल्कूस पोएम इज वेरी नाइस। बाबा रामदेव टॉट अस टू परफॉर्म योगिक एक्सरसाइज। माई फ्रेंड लाइक्स मैंगो इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पर आप कोई से सब्जेक्ट का नेम लिख सकते हैं।
तो ये बहुत इजी सी एक्सरसाइज है जो आपको फिलअप करनी है। आप इसको अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, और ये सब आपको बुक में ही फिलअप करनी है। थैंक यू।